हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शैलीस किचन। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल वाला रोस्टेड मूंग दाल तड़के की रेसिपी। खाने में बहुत ही यमी होता है, चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग इसे रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हो। तो देरी ना करके चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुकर ले लिया है मैंने, उसमें मैंने ऐड कर दिया है मूंग दाल। यहाँ पे 2/3 कप मैंने दाल ले लिया है। अब इसे ड्राई रोस्ट करूँगी, मैंने पहले इसे धोया नहीं है। तो देखिए, दाल जब तक ना लाइट ब्राउन कलर हो जाए तब तक इसे भूनना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये दाल का कलर चेंज हो गया है, तो मैंने तुरंत ही गैस ऑफ कर दिया है और पानी डाल दिया है, नहीं तो ये दाल जल जाएगा। तो फिर इसे अच्छे से धो लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे अच्छे से धोना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल धोना हो गया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है रिक्वायरमेंट के वाइज पानी। उसके बाद ऐड किया है रिफाइंड ऑयल, नमक, हल्दी, थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक ऐड किया है और टमाटर ऐड किया है। अभी कुकर के लीड ऑफ कर दिया है। फिर इसे मैं 2 सीटी लगा लूँगी कुकर। तो देख सकते हो कुकर में व्हिसल आ गया है। अभी कुकर के जो प्रेशर है पूरा निकल जाए फिर इसे ओपन करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे दाल अच्छे से पक गया है। दाल पूरा गलाना नहीं है, मूंग दाल पूरा गल जाए तो अच्छा नहीं लगता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है सरसों का तेल, इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर ऐड कर दिया है मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, नहीं तो ये तेल में जाके फाटता है। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है चॉप किया हुआ कच्चा नारियल, स्किन मैंने पील कर लिया है और फिर ऐड कर दिया है तेज पत्ता। अभी नारियल को हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन है जो वो चला जाए। तो देखिए यहाँ पे नारियल फ्राई करना हो गया है। फिर मैंने ऐड कर दिया है बॉयल किया हुआ दाल और रिक्वायरमेंट के वाइज पानी। अगर राइस के साथ खाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कीजिएगा, अगर रोटी के साथ पराठा के साथ खा रहे हो तो कम पानी ऐड कीजिएगा। फिर मैंने थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया है, ये टेस्ट बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दाल हमारा रेडी है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान सा रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं छौंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पैन में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, घी को गरम कर लिया है। फिर इसमें ऐड कर दिया है सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद गैस ऑफ कर दिया है। फिर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके दाल में छौंक लगा देना है। हमारा नारियल वाला रोस्टेड मूंग दाल रेडी है। आप लोग ट्राई करिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।